जोंगुक ने बहुत गाइड ली, ताई की हाथ पकड़ ली और उसकी तरफ एक नॉटी स्माइल के साथ देखने लगा, क्योंकि क्योंकि वो ताई के करीब जाना चाहता था। और तभी वहाँ पर जिन आ गया और जिन ने जल्दी से ताई की हाथ जोंगुक के हाथ से अलग कर दिया। और तभी जोंगुक गुस्से से जिन की तरफ देखने लगा। जिन ने ताई की हाथ पकड़ ली और वो भी जोंगुक के सामने, और जिन कहने लगा, तुम ठीक तो हो ना ताई? दो मैं मेडिसिन लगा देता हूँ। ताई, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और तभी जोंगकुक बहुत गुस्से से ताई और जिन की तरफ देखने लगा। और तभी जिया ने बोला, क्या हुआ है ताई, कुछ हुआ है क्या? जोंगकुक, कुछ नहीं, मुझे दे, मैं मेडिसिन लगा देता हूँ ताई के हाथ पर। और ये सुनने के बाद जिया इनसिक्योर फील करने लगी और फिर उसने कहा, नहीं मुझे दो, मैं मेडिसिन लगा देता हूँ। जिया ने ऐसा बोली क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जोंगकुक ताई को टच करे। और तभी जिन ने कहा, शट अप, वो मेरी दोस्त है ठीक है, और मैं उसे मेडिसिन लगाऊंगा। जिया, व्हाट द, वो मेरी फ्रेंड है। जिन, शट अप, सुनो बच्चे, तुम दोनों यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए हो, सो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं ताई की तरफ ध्यान देता हूँ। और ये सुनने के बाद जोंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। और जोंगकुक पहले से ही अब तक जिन और ताई की हाथों की तरफ देख रहा था, और ये भी देख रहा था कि जिन कैसे ताई की तरफ देख रहा था। जोंगकुक, सो व्हाट है, मुझे ताई के हाथ पर मेडिसिन लगाना है। और तब जिया अपने मन में ही सोचने लगा, ये जोंगकुक ताई को इतनी अटेंशन क्यों दे रहा है? हाँ, मुझे जोंगकुक को रोकना होगा। और फिर जिया जल्दी से जाकर जोंगकुक के बगल में बैठ गई और एक स्माइल के साथ से कहने लगा, जोंगकुक मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, चलो ना होमवर्क करते हैं, प्लीज़ मुझे हेल्प करो ना। और तभी जोंगकुक ना चाहते हुए भी जिया को हेल्प करने लगा, क्योंकि जिया उसकी क्लास से, जिन, ताई तुम्हारी हाथ दिखाओ इधर, मैं ठीक से मेडिसिन लगा देता हूँ ठीक है। ताई जोंगकुक की तरफ देखने लगा कि जिया जोंगकुक की हाथ पकड़ ली। और ये सब देखकर ताई को बहुत ज़्यादा बुरा लग रही थी। और तभी जिन जोंगकुक को चिढ़ाने के लिए कहने लगा, माई लवली ब्रदर, हेल्प योर सो कॉल्ड गर्ल ठीक है। जोंगकुक जिन को कुछ नहीं बोला, वो जिया की वजह से रुक गया और वो धीरे धीरे चुप चुप के ताई की तरफ देखने लगा। जिन जोंगकुक को चिढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा करीब जाकर बैठ गया ताई के साथ, ताकि जोंगकुक उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए। और फिर अचानक से जब जिन ताई के हाथ पर मेडिसिन लगा रहा था, तब ताई दर्द से चीख उठा, आह आह मेरी हाथ। और तभी जिन जल्दी से ताई के हाथ को अपने मुंह से हवा देने लगा ताकि उसे आराम महसूस हो। और तभी ये सुनने के बाद जोंगकुक बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया कि ताई दर्द से चीख रहा है। अब जोंगकुक खुद को रोक नहीं पाया। जोंगकुक, व्हाट आर यू डूइंग, हाँ तू धीरे नहीं कर सकता था क्या? धीरे धीरे मेडिसिन लगाना, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है? ताई, जोंगकुक, आई एम ओके प्लीज। और तभी जिन ने कहा, शट अप। और तभी जिया ने नोटिस की कि जोंगकुक ने दोबारा से ताई की तरफ देखना स्टार्ट किया, वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। और फिर उसके दिमाग पर एक आइडिया आया और फिर उसने जल्दी से एक फ्रूट लेकर जोंगकुक से कहने लगा, जिया कुकी अपना मुंह खोलो, ये फ्रूट खा लो। और तभी जोंगकुक जिया की तरफ स्माइल करते हुए जिया के हाथ से वो फ्रूट खा लेता है और ये सब ताई भी देख लेता है। उसको और भी ज़्यादा बुरा लगने लग
पर जोंगकुक की सारा ध्यान बिल्कुल ताई पर ही था। और तब जिन ताई की और भी ज्यादा करीब जाकर बैठ गया और ये जोंगकुक ने नोटिस की। जिया ताई को दिखाने के लिए ताई के सामने ही जोंगकुक को फल खिला रही थी, और वो भी अपने हाथों से। और तभी जिन ने ताई की और भी ज्यादा करीब जाकर बैठ गया और उससे कहने लगा, ताई आज तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और तुम्हारे होंठ बिल्कुल। और ये सुनने के बाद जोंगकुक बहुत जोर जोर से खांसने लगा। जिया, कुकी, आर यू ओके? जोंगकुक, यस आई एम ओके। जोंगकुक ने देखा कि जिन के मुंह से ये सब सुनने के बाद ताई की दोनों गाल शर्म से लाल हो गए हैं। और तभी जिन ने धीरे धीरे ताई की बालों को सहलाने लगा, और वो भी जोंगकुक के सामने। और वो ताई की खूबसूरत होठों की तरफ देखने लगा, और ये सब जोंगकुक ने नोटिस किए। और जोंगकुक ने ये भी देखा कि ताई की दोनों गाल शर्म से टमाटर जैसे लाल हो गए हैं। जिन के मुंह से ये सब सुनने के बाद ताई को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। पर जिन ने चोंगकुक को चिढ़ाने के लिए और भी ज्यादा फ्लैटिंग करना स्टार्ट किया। जिन, ताई, तुम्हें पता है तुम्हारी खूबसूरत होंठ बिल्कुल एक सॉफ्ट रेड रोज की तरह है। दे आर सो ब्यूटीफुल। और ये सुनने के बाद जोंगकुक और भी ज्यादा जेलस फील करने लगा, और वो अपने मन में ही बोलने लगा, ये जिन भाई के साथ ऐसे फ्लैटिंग क्यों कर रहा है? हाँ, इसकी इतनी हिम्मत, वो मेरे सामने ताई के होठों की तरफ देख रहा है। हाँ, मैं क्या करूँ? मुझे भी ताई की सॉफ्ट हाथों को पकड़ना है, मुझे भी ताई की क्लोज जाना है। मुझे कैसे भी करके इसे रोकना होगा। और अब जिन अपना कंट्रोल खो बैठा था। वो ताई की खूबसूरती में इतना ज्यादा खो गया था कि वो सबके सामने ही ताई की और भी ज्यादा करीब जाने लगा, और उसकी हाथ पकड़ कर उसकी तरफ प्यार भरी आंखों से देखने लगा। और ये सब कुछ देखने के बाद जोंगकुक और भी ज्यादा चिल्ला सोने लगा, और वो अब अपने मन में सोचने लगा कि मुझे कैसे भी करके ताई के करीब जाना है। मुझे कैसे भी करके ताई के खूबसूरत गुलाब जैसी होठों को देखना है, ताई की हाथ पकड़नी है। मैं क्या करूं? मैं कैसे जिन को रोकूं? मुझे कैसे भी करके ताई के करीब जाना है। अब क्या करेगा जोंगकुक? वो कैसे सबके सामने ताई के करीब जाएगा? आखिर वो कैसे ताई की हाथ पकड़ेगा, उसके करीब जाकर बैठेगा? तभी उसके दिमाग में एक नॉटी आइडिया आया। आखिर वो आइडिया क्या है? वो कैसे ताई की करीब जाएगा? करीब, बहुत ज्यादा करीब। और ये हम देखेंगे इस सीरीज की अगले वीडियो पर।